नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिने। बेटा अब तक हमने करा था लेसन करे हैं व्याकरण करिए, आज हम करेंगे बेटा अव्यानी। क्या करेंगे? अव्यानी। अव्यय क्या होते हैं बेटा? जो पद तीनों लिंगों कारकों की सभी विभक्तियों तथा तीनों वजनों में एक समान रहते हैं तथा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। त्रिषु लिंगेषु वजनेषु कारकेषु समानो भवति न परिवर्तन अस्ति, उसे क्या क्या कहा जाता है बेटा? अव्यय। जैसे उच्चई तत्र कुत्र आदि, उच्चई जोर से तत्र वहाँ कुत्र कहाँ आदि, अत्र यहाँ तत्र वहाँ कुत्र कहाँ सर्वत्र हर जगह, अद्य आज हय बीता हुआ कल स्व आने वाला कल च और अपि भी शीघ्रम जल्दी शनै धीरे उच्चई जोर से सदा हमेशा। ये तो हो गया बेटा अव्यय। तो तत्र का तत है वहाँ से, कुत है कहाँ से, इनका ये भी हो जाएगा। सर्वदा है जैसे सर्वदा का, सर्वत्र भी है, इदानिम अब, ये सब भी अव्यय हैं। इनके वाक्य कैसे बनते हैं बेटा? स अत्र अस्ति वह यहाँ है, तत्र माता अस्ति वहाँ माता है, तुम कुत्र सी तू कहाँ है, ईश्वर सर्वत्र अस्ति ईश्वर हर जगह है, राम अद्य गमिष्यति राम आज जाएगा, कपि हय दिल्ली नगरम आगच्छत कपि कल दिल्ली नगर से आया था, संस्कृत अध्यापक स्व आगमिष्यति संस्कृत अध्यापक कल आएगा, रीता गीता च पठते रीता और गीता पढ़ती हैं, मम मित्रम अपि क्रीडति मेरा मित्र भी खेलता है, शीघ्रम गच्छ जल्दी जाओ, कच्छपः सनई चलती कछुआ धीरे चलता है, श्रेया उच्चई वदती श्रेया जोर से बोलती है, सदा सत्यम वद हमेशा सत्य बोलो। ये बेटा हमने नोटबुक में नहीं उतारने हैं, सिर्फ याद करने हैं। और 2 से 3 बजे तक जिस बच्चे ने अपनी फेयर नोटबुक बुक चेक नहीं करवाई बेटा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज के अपनी फेयर नोटबुक बुक चेक करवा लेना। और ये सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं बेटा, फेयर नोटबुक में नहीं उतारने। गॉड ब्लेस यू बेटा।